का जश्न मनाना तो लाजमी है, लेकिन क्या जीत के जश्न में जुनून खो देना ये सही है या नहीं? क्या अमित शाह के द्वारा जो ट्वीट किया गया वो इस समय की बात करें वो सही है कि नहीं? क्योंकि कल कर्नल साहब जो आईडी ब्लास्ट हुआ है वो शायद एक्शन का रिएक्शन ही निकला है। नहीं मैडम, अभी इफ यू सी, ये हमें इंटेलिजेंस इनपुट पाकिस्तान के थ्रू आई है। हाँ। कि ये पुलवामा के बिस्में जो बंदा मारा है जाकिर मूसा को, उसके बदला ये लेंगे, ये अमेरिका के थ्रू भी हमें इनपुट आई थी। हाँ। आईडी से है, वहां पर नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर तो चल नहीं रहा। हाँ। प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, कौन दुश्मन है, कहाँ क्या रखा है, कौन पीछे से मारेगा। देखो जितने मारते हैं पीछे से मारते हैं, आगे से नहीं मारते, देखो उनको हिम्मत नहीं है। ठीक है मैम, चलेगा ये, तो एक मारोगे हम 10 मारेंगे, और ये चल रहा है वहाँ पर, आटे के साथ घुन पीसेगा, और जनता के ऊपर प्रॉब्लम होगी या जनता साथ दें, जैसे पंजाब के अंदर दिया उन्होंने मिलिटेंसी के अंदर। पंजाब इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ अर्बन इंसर्जेंसी भी थी और रूरल भी थी, और वो 10 साल के अंदर खत्म हुई, बिकॉज पब्लिक को पता लगा ये खालसा पंथ के साथ नहीं है, ये तो वुमनाइजिंग कर रहे हैं, लड़कियों को उठा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, जनता अगेंस्ट हो गई। सेम जनता जो कह रही थी हुर्रियत के साथ और दे वांट टू गो टू पाकिस्तान, अब सेम जनता क्यों बंदे मारे? अभी लास्ट अभी 6 महीने हो गए, हमने 148 आदमी से ऊपर मारे हैं मिलिटेंट्स, बिकॉज इनपुट्स कहाँ से आ रहे हैं? सेम इनपुट्स है जो जनता दे रही है हमें। दिस इज ओके, ठीक है, 9 लड़के वो उसमें इंजर्ड हुए हैं, उसमें दो लड़के सीरियस हैं, ठीक है, फाइन, ठीक हो जाएंगे वो, ठीक है। लेकिन सर आपको बता दूं कि अमित शाह के ट्वीट करने के बाद गफूर का भी ट्वीट आया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर टीम को जीत मिली है, शानदार खेला है टीम ने, लेकिन अगर संदेह हो तो कृपया नौशेरा काउंटर स्ट्राइक और IAF उल्लंघन के जवाब में 27 फरवरी 2019 को दो भारतीय जेट गिराने वाले नतीजों को भी देख के स्टे सरप्राइज्ड। यानी कि ट्वीट का जो रिएक्शन था वो ट्वीट करके दिया, 27 तारीख को IAF और जेट एयरप्लेन को जो गिराया था पाकिस्तान में, और साथ ही अभिनंदन को जो अरेस्ट किया था। वो तो 3 आदमी क्लेम कर रहे थे कि हमने हिंदुस्तान के 2 प्लेन गिरा दिए और हमने 3 पायलट पकड़ लिए, उनमें से उनको ये नहीं पता साला उनका अपना पायलट उनका अपने बंदों ने मार दिया। हाँ। और हम तो उनको जिंदा लेके आ गए 24 घंटे के बाद। हाँ। और वही झूठा कब उनको वापस दिला दिया अभी कल परसों मैच के बाद जो एड दिखा रहे थे। तो ताली दोनों हाथ से बज जाएगी। जो अमित साहब ने किया है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पीस, अगर आप एक करेंगे हम आपको 10 मारेंगे। वो जमाना कांग्रेस का जमाना खत्म हो गया, बिकॉज आई यूज टू दैट जमाना, बिकॉज वीक लीडरशिप थी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब वो वीक लीडरशिप नहीं है। हाँ। ये पार्टी आई है अपने बलबूते पर, आई किसी क्रसिस को ऊपर नहीं आई है। हाँ। तो ये भी एक दिखाता है दुनिया के अंदर ये आदमी है हु कैन टेक अ डिसीजन। और मुझे लग रहा है कि इसी के चलते ये शाह जी ने ये रिएक्शन दिया है। फिलहाल अनीता जी, आपको नहीं लग रहा कि जो चीज़ें अब तेज हुई हैं ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, तो शायद जो नतीजे अब निकल रहे हैं वो तभी निकल चुके होते और जितना नुकसान भारत को झेलना पड़ रहा आतंकवाद से वो ना झेलना पड़ता। देखिए ऐसे श्रुति जी, जब से हमारी सरकार आई है उन्होंने पूरा प्रयास किए हैं, आपने देखा होगा कि पूरे 5 साल तक उन्होंने ये पूरे सबसे ज़्यादा फौज में ही मजबूती लाए हैं। उसके बाद उनका मेन यही था टारगेट कि जब भले को सब कहते हैं कि मुफ्ती से सरकार बनाई ये बनाई, तो वो सब एक जानना चाहते थे कि वहाँ कैसे क्या होता है। तो वो जब देखा कि नहीं वो हमारे उसमें महबूब में आ रही है, तो उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ा भी, और उसका अब सारी जानकारी लेने के बाद अब देखिए हम लोगों ने पहले 2 स्ट्राइक हो चुकी हमारी, पहले भी स्ट्राइक हुई थी, फिर एयर स्ट्राइक हुई दूसरी सर्जिकल, और उस स्ट्राइक में आपने देखा है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी तक क्या था, पाकिस्तान आके मार जाता था और हमारे यहाँ के नेता जाते थे UNA में और अमेरिका के आगे हाथ जोड़ के कहते थे अरे भाई पाकिस्तान आके मार गया हमको, बचाओ हमें, कुछ करो। लेकिन पहला बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने उसको उसी भाषा में जवाब दिया है। उसने कहा तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, हम वहां जाके गिड़गिड़ाएंगे नहीं कि देखो आ कर गए हमें जो करना। और अमेरिका ने अब की बार ये कहा था कि हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, ये केवल हमारी मोदी सरकार में हुआ है। और ये जनता जानती है कि पहले भी मोदी सरकार, मोदी जी का इंटरव्यू एक बार आया था,
जब वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था क्यों नहीं हमारे उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, हम क्यों उनका मतलब हर चीज वो जब आते हैं हम पे हमला कर जाते हैं और हम लोग जाके उनके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्यों नहीं हम मुंह तोड़ जवाब, हमारे पास सेना मजबूत, हमारे पास उनसे बड़ा हमारा देश है, उनसे बड़ा सब कुछ है, उसके बाद क्यों हम इस तरह से लाचार हैं। तो ये उनके अंदर जज्बा था कि हम जब हम आएंगे तो इसका जवाब जरूर देंगे। तो वही जज्बा उन्होंने मोदी जी ने किया, हमारी सरकार उन्होंने सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी कि आप अपने हिसाब से देखिए, सेना के कहीं हाथ नहीं बांधे, सेना को पूरी तरह से छूट दी। और अभी भी उन्होंने कहा सेना अपने हिसाब से देखे क्या जवाब देना है सेना को, ठीक है। तो ये एक प्रधानमंत्री का कहना बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए देखिए हम लोगों की जब से सरकार आई है तब से पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है वो आप भी देखिए, सब जानने की पाकिस्तान की क्या हाल में है, ठीक है। डीपी जी, अभी आप थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि अमित शाह के द्वारा जो रिएक्शन देगा शब्दों का इस्तेमाल चयन जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कुछ दिन पहले अभी पाकिस्तानी टीवी के एक मैगजीन ने अभिनंदन का फोटो वायरल किया था, क्रिकेट का ड्रेस पहना हुआ था क्रिकेट मैच का, और अभिनंदन को ट्वीट करके उस पर उन्होंने वीडियो बनाया था। तब किसी रिएक्शंस नहीं आए किसी अपोजिशंस के कि ये क्या है पाकिस्तान की तरफ से, तब क्यों नहीं आया? और आज जब अमित शाह ने ये रिएक्शन दिया तो आप ये कह रहे हैं कि शब्दों का चयन? जी बिल्कुल, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। अगर किसी तरह से पाकिस्तान ने इस तरह की कोई हिमाकत की है, हमारे सैनिक का मजाक उड़ाने का काम किया है, तो हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं। और पाकिस्तान इस मुगालते में न रहे, वो तो गोले के बारूद के ऊपर बैठा हुआ एक देश है। हम तो बस ये चाहते हैं कि उसका अगर असर हमारे कहीं देश पे न पड़ने पाए, उसकी गलती का खामियाजा हमको न भुगतना पाए। आप देखिए, अगर चाइना उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ है, रूस उसके साथ है, तो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए हैं, उनके आर्थिक नीतियों के कारण है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान इसी तरह से लड़ते रहें और हम अपने गोले बारूद चाहे जो भी सामान है सेना का उसको सप्लाई करते रहें, इससे क्या होता है, दोनों देश की अर्थव्यवस्था अगर चौपट हो तो चौपट होने दो, क्या करें हम। लेकिन चीन, अमेरिका और रूस इसी ताक में केवल रहते हैं। और जहाँ तक बात है, देखिए पिछले 5 सालों में राजनाथ सिंह जी वहाँ के गृह मंत्री थे हिंदुस्तान के, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो अपने पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हुआ, पठानकोट में हुआ, तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या माने, हम क्या माने इसको, राजनाथ सिंह को इसको शाबाशी मिली, उनका विभाग बदला गया या इनका प्रमोशन किया गया अमित शाह जी का। श्रुति जी, मैं इनको एक जवाब देना चाहती हूँ। इनको वो चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जो ये कह रहे हैं कि हमला हुआ, आतंकवाद का ये डर था कि हम लोग जब अपने घर से निकलते थे तो ये एक अनाउंसमेंट होता था, चाहे बस स्टॉप पे हो, चाहे रेलवे पे हो, चाहे हवाई, कि भैया कोई भी लवारिस बैग को ना उठाएं, कोई लवारिस चीज को ना उठाएं। ये अक्सर आप देखिए, ये हमेशा अनाउंसमेंट हुआ करता बिल्कुल, था। बिल्कुल अनीता जी, देश लोग डरते थे, पहले सुन लीजिए, ये किया जा रहा है। नहीं, आप देखिए, आज वो चीज नहीं है। आज देखिए, पहले मंदिर में जाने से डर, कचहरी में जाने से डर, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई डरता नहीं था, कहीं कोई डरता नहीं था। और आज कहीं डर नहीं, आज देश सुरक्षित है, पूरा देश अभी भी देश डरा हुआ है। और इसका इनाम मिला है राजनाथ सिंह को, इसका इनाम मिला है राजनाथ सिंह को, क्यों गृह मंत्री से हटाया गया, क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब दे सकते हैं, इसका गृह मंत्री से क्यों हटाया गया? उन्होंने अगर 5 साल में उन्होंने देश के साथ क्या किया, 5 साल में कौन सी डिप्लोमेसी उन्होंने की, देश में कौन सी उन्होंने देश के लिए एक नहीं है, बिल्कुल हम लोग देश के लिए एक है। आप अनीता जी, आपको गलत फहमी है, हम लोग एक है देश के लिए, हम लोग एक है। और जहां तक एयर स्ट्राइक की बात थी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष उसका जवाब मांग रहा था, विपक्ष सबूत मांग रहा था, और भाजपा के नेता कितने कंफ्यूज थे, कोई 400 कहता था, कोई 300 कहता था, कोई 250 कहता था, कोई 200 कहता था, इस पे आपका कुछ कहना है ये बताइए। बीजेपी ने किसी ने नहीं कुछ क्यों नहीं कहा, आप देखिए उनके बयानों को उठाकर देखिए, इतना छीछा लेदर उन्होंने बताया उस एयर स्ट्राइक को लेकर के कि विपक्ष को मांगना पड़ा जवाब। ठीक है, कर्नल साहब इसका रिएक्शन देंगे। सर, चाहे वो हमने 2 आदमी मारे, बिल्कुल हम मानते हैं, हमने 10,000 मारे हैं, हमने मानते हैं सर, अगर हमने मारे हैं तो मारे हैं। लेकिन आप क्यों बता रहे हैं उसको, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, हमने कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप हमारी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं उसको, आप रहने दीजिए, आप यही कहते हैं कि हमने मारे हैं, आप अपने ओपोजिशन को अपने एजेंडा को तो लीजिए। अरे डीपी जी सुन तो लीजिए, हम ऐसे फौजी, मैं बता रहा हूँ, हम कंफ्यूज नहीं थे, हमें पता हमने कितने बंदे मारे, हमको फौज के कंफ्यूजन पर कोई हमको नहीं शक है, हमने 2 मारे हैं, आपने 2000 मारे हैं या 20 मारे करते हैं, 20,000 मारे हैं, हाउ आर यू कंसर्न, हम ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं, क्या मतलब है कि हमने 2 मारे हैं, 2000 मारे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो आपकी पॉलिटिक्स है, वो आपकी पॉलिटिक्स है, 200 है 400 है 2000 है, हमने मारे जहां मारना था हमने वहां मारे हैं। प्रॉब्लम इस देश का ये है
अगर मैं अच्छा काम करता हूँ मेरे को कोई पूछता भी नहीं है, ये चीज मेरे को मेड इन फ्रांस, मेड इन यूएसए, यूएसए वाला मेरे को तगमा दे देता है, बोलता है यार कल जगी थे एक बहुत अच्छे थे, ही इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजिस्ट, ही इज गॉट वेरी गुड डिफेंस, इसमें बाहर वाले से हमें ज्यादा विश्वास है, अपने वालों से नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहा है, यहाँ पर चीफ बोल रहा है, एयर चीफ बोल रहा है, उसको आप नकार रहे हैं। वहां से 2% का कोई बंदा, सिद्धू टाइप का बंदा बोलता है कि साहब वहां पत्ते गिरे हुए थे, कोई लीडर ऑफ जो क्या बच्चा है एक वो यंग ऑफ 48-52 साल का जो राहुल गांधी कौन है वो बंदा बोल रहा है, तो उसको बोल रहा है वो तो ठीक है, जिसने कभी कश्मीर देखा भी नहीं है इसमें, एंड यू टॉकिंग सिटिंग इन दिल्ली एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर बोल के आप लोगों का मनोबल फौज का नीचे कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स ला रहे हैं इसमें। प्लीज डोंट गेट पॉलिटिक्स इन आर्मी, आर्मी एक अपोलिटिकल इंस्टीट्यूशन रही है 70 साल से, उसको रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, उसका मत इन्वॉल्व करिए पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स में आर्मी को ना खींचा जाए, आर्मी को अपना काम करने दिया जाए स्वतंत्र रूप से, जिस तरह से आर्मी है वो कैसा एक्शन लेती है, किस तरह से सबक सिखाती है, उसको फ्री हैंड छोड़ा जाए। ठीक है शरद जी, एक और रिएक्शन देने से पाक तो तिलमिला गई है, तिलमिलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर से रिएक्शन दिया, ट्वीट के जरिए ही दिया है, लेकिन एक और स्ट्राइक कहने का अमित शाह का मतलब ये है कि क्या अभी थर्ड किसी स्ट्राइक की प्रिपरेशन कर रहा है भारत पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ? क्योंकि जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, चाहे वो मालदीव में जाए, श्रीलंका में जाए, बिश्केक में जाए, हर जगह जाके वो बिना कुछ बोले पाकिस्तान और आतंकवाद को शूट करने का काम किया है, और वही काम 2019 में सत्ता काबिज करने के बाद अमित शाह ने किया, और एकदम स्पष्ट हो गया जब कल उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए ये दूसरा करेंगे तीसरा करेंगे ये तो एक विषय हो सकता है चर्चा का, मगर अगर कोई ऐसी वहां से गतिविधि गलत होगी तो उसका जवाब कड़ा मिलेगा, ये भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश है। उसमें कहीं कोई चूक नहीं है, वो तीसरा सर्जिकल स्ट्राइक होगा, चौथा होगा, जो वो एक सेना का एक काम है, वो एक कार्रवाई का सेना का काम होगा। मैं एक अलग विषय पे आ रहा हूं, कश्मीर समस्या एक जो बहुत बड़ा विषय है, उसका जहां सैन्य सहयोग से ही हम लोग अपनी बचत और कोई निष्कर्ष निकालने में एक एक भाग उसको भी मान सकते हैं, मगर वो निष्कर्ष निकलेगा पॉलिटिकल विल से, वो केवल राजनीतिक विल से किस प्रकार से, और जो कि इस सरकार में ज्यादा मजबूत नजर आती है बीती सरकारों की अपेक्षा, क्योंकि ये कड़े कड़े निर्णय करना, अगर बात करनी है तो बात करिए, संघर्ष करना है तो संघर्ष करिए, बहुत उसके लिए बहुत ये नहीं कि बात भी चल रही है संघर्ष भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत स्पष्ट दोनों तरफ से है, और वैश्विक मंच पे, क्योंकि एक सिविल सोसाइटी में जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल ही होगा, कोई सैन्य आज वैश्विक जिस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय इतने दबाव और एक दूसरे के ऊपर संपर्क है कि उस मोर्चे पर भारत ने अपने आप को आगे बढ़ा लिया है, उसने अपने राष्ट्रों, पहले केवल आपका रशिया केवल बहुत सहयोगी हुआ करता था, उसने आज अमेरिका और अन्य भी जितने भी राष्ट्र हैं, इजराइल ही पुराने थे सहयोगी, अन्य राष्ट्रों को उसने मजबूत किया। अभी कर्नल साहब ने एक बढ़िया बात कही कि कोई भी अमेरिका और या विश्व पूरा वो केवल भारत बहुत अच्छा है इसलिए नहीं, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो बहुत उभरती इकोनॉमी है, यहां तक कि चाइना भी अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के प्रति, जो अभी बीच में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का एक मुद्दा था उस पे भी उसने वो सॉफ्ट होकर के उसने वहां से भी भारत का सहयोग किया, तो चाइना जैसा राष्ट्र भी वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो रहा है, और भारत अपने पाकिस्तान छोड़ के सभी अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्रों के एक तरह से मुखिया के तौर पर अब वो किसी को स्पेस नहीं दे रहा है। किसी जमाने में बीच में आप देखेंगे कि नेपाल के साथ, नेपाल जबकि आपका सबसे बहुत नजदीकी है, नेपाल के साथ आपने थोड़ी दूरी बनाई तो वहां पे भी कम्युनिस्ट शासन आ गया बीच में, फिर उसके बाद जब से ये सरकार बनी तो इसने कहीं ना कहीं नेपाल के लेकर के बहुत नजदीकी बनाई, भूटान भारत का पहला था, अभी मालदीव गए, लंका गए, तो आसपास के जितने राष्ट्र हैं उनको भारत के नजदीक लाने का इस सरकार द्वारा काम किया गया है। विदेश नीति के मामले में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अपने आप को देश के पक्ष को मजबूती से वैश्विक मंच पर उठाया गया,
और इसी सब का परिणाम निकला कि जो अभिनंदन को आप देखते हैं जब कड़ा संदेश था, तो वो जब आ रहा था वहां से अपने हिंदुस्तान में, वो आप अभी बीच में बात आई कि वो पता नहीं पोस्टर लगा रहे थे क्या कर रहे थे, मगर उनकी जो वैश्विक रूप से जग हसाई हो रही थी वो तो जब हिंदुस्तान में जब वो लौटा है तो हिंदुस्तान का गर्व सीने से फूल गया और पाकिस्तान के की जग हसाई हुई कि आपके देखिए आपको छोड़ना पड़ गया बिना किसी, क्योंकि भारत सरकार ने कहा यदि आप इसको पहले भेजेंगे नहीं फिर उसके बाद कुछ बात होगी, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं। तो इतने कड़े संदेशों के कारण हिंदुस्तान की धमक दिखाई दी। रही बात, मैं आपको कह दूं कि जैसे अमित शाह बेहद बारीकी से बहुत डिटेल्ड में अपना काम करते हैं, आपने कश्मीर को लेके वहां के राज्यपाल महोदय तत्काल आए, उन्होंने गृह मंत्री को काफी विस्तृत जानकारी दी और मंत्रालयों के पास विस्तृत रिपोर्ट होती है, वो निर्भर करता है कि उसका मुखिया कैसा है, वो किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है, उसकी विल क्या है। तो जो ऐसा कि जानते हैं कि अमित शाह को लेकर के बीते दौर में ये बहुत स्पष्ट रहा है कि वो अपनी बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व करते हैं, डिटेल्ड बनाते हैं और बहुत चारों तरफ से घेरने का प्रयास करते हैं और दूसरे को इतना उकसाते हैं कि वो कोई ना कोई गलती करके उनके जो चारों तरफ से उन्होंने जाल बनाया हो उसमें फंसे, कोई गलती करे, ताकि ये अपनी बात को और अपने पक्ष को मजबूती से रख पाए। लेकिन शरद जी, मुझे लगता है कि अमित शाह का रिएक्शन इस बार बाद में आया है। पहले जो एक टीवी नेटवर्क ने जो एक एड बनाया था, विज्ञापन बनाया था अभिनंदन को लेकर और क्रिकेट मैच को लेकर, और जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया अभिनंदन का उसमें, मुझे लगता है उसके बाद से आया ये अमित शाह का रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं अमित शाह को इस बात पर बुरा लगा था। लेकिन फिलहाल अनीता जी, आपको ये बता दूं कि ये मान सकते हैं या ये फिर ऐसा लगने लगा है कि अब क्रिकेट मैच भी जो है वो राजनीति और सीमा तनाव में पैर पसार चुका है। नहीं श्रुति जी, देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान का शुरू से ही रहा, आज की बात नहीं है ये। जब पहले दूसरी सरकार होती थी उसमें भी कम से कम जब पाकिस्तान हिंदुस्तान, लोग बड़े उससे देखते थे कि पाकिस्तान हारना चाहिए, मतलब एक अंदर से एक अलग ही वो बात रहती थी। ये कहना कि हाँ उसको उसमें देखा जा रहा है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के आज की बात नहीं है, बहुत समय से हम देख रहे हैं। जब पाकिस्तान हारता है और हिंदुस्तान पटाखे दिखाए जाते हैं, सब किया जाता है, और ये शुरू का बाकी और मैच होते हैं उसमें कुछ नहीं इतना होता जितना इसमें होता है, क्योंकि वो एक मंशा है कि हाँ ये हमें आंखें दिखाता है तो इसको सही जवाब देना चाहिए। आज कम से कम वो सरकार ऐसी है जो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, और आज ये हमारी सरकार ऐसी है जिन्होंने कहा है कि अगर तुम हमें एक आंख दिखाओगे तो हमारी आंख निकाल लेंगे, हमसे पहले सीधे सीधे बात होगी, आतंकवाद का खत्म होगा तब तुमसे बात होगी, वरना कोई रिश्ता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने अच्छा रिश्ता रखना है तो पहले आतंकवाद को खत्म करना होगा, उसके बाद कोई बात होगी, ठीक है। लेकिन अनीता जी, बीजेपी की सरकार ऐसा तो नहीं कि अभी आई है 2014 से, पहले भी रह चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब कारगिल युद्ध हुआ था। आपको नहीं लग रहा कि रिश्ते अगर तभी जो बने थे, अगर इतना ही ज्यादा दिक्कत थी तभी तोड़ देना चाहिए थे? 70 साल के बाद अगर हम उन रिश्तों को तोड़ने की बात करते हैं तो इफेक्ट प्रभाव दोनों देशों पर पड़ेगा। देखिए श्रुति जी, अटल जी ने भी बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान से अपने लोहा बस भी निकाली उन्होंने, सोचा कि उन्होंने समझौते का भी किया बहुत। देखिए अटल जी का जो स्वभाव था एक कि मतलब शांति से समझौते से हम किसी तरह का हल निकालें, उन्होंने बड़े हल निकालने की कोशिश की और सरकारों ने भी की, ऐसा नहीं कि हमारी अटल और लोगों ने नहीं, इंदिरा गांधी ने भी की थी, सबने की है। लेकिन वो नहीं जब हल निकला तो अब उनको ऐसा पाकिस्तान को यही तो अब तोड़ जवाब देने चाहिए। हाँ। श्रुति जी, पाकिस्तान को बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, इतना देखा उनसे, शांति का संदेश देके, समझौता देके, सब देके, लेकिन अब जो है अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर हो गए। यहाँ की जनता भी कहती है, यहाँ की एक एक बच्चा कहता है कि अब उसको जवाब दो, अब उसको जवाब। जब ये हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो यहाँ का एक एक बच्चा कहता था जब वो पुलवामा था कि अब इसमें जवाब देना चाहिए। तो तभी मोदी ने कहा था कि उन्होंने बहुत गलत काम किया, सबको मोदी जी पे भरोसा था कि इसका मोदी जी हिसाब जरूर लेंगे। मोदी जी ने वो काम करके दिखाया, क्योंकि अब यहाँ की जनता भी बर्दाश्त नहीं करती, हिंदुस्तान की जनता, कि पाकिस्तान हमको आग दिखाए। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन कर्नल जी आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि सर क्या रिलेशन तोड़ना ही अब पाकिस्तान का एक लास्ट ऑप्शन बचा है? क्या रिलेशन किसी, क्योंकि सर इफेक्ट दोनों तरफ से होंगे, वहाँ भी कुछ रिलेटिव्स है, यहाँ भी है, दोनों देश ऐसा ना हो कि आतंकवाद के मुद्दे पे भिड़ जाए और छिन्न भिन्न हो जाए। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैनल के थ्रू मैं बता दूँ आपके दर्शकों को, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है
इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी वो तो नहीं कि है। जो भी उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो किसी प्लेन में डाल के उड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर बैठे बैठे हमारे पास ऐसे वी हैव इक्विपमेंट, उनका हम प्लेन्स को नहीं उतरने देंगे। मैं नहीं बोलना चाहूँगा कुछ आपके चैनल पर, बिकॉज सब कुछ चीज़ें होती है कॉन्फिडेंशियल। आजकल लड़ाई गोली और बारूद के साथ नहीं है। टुडे अगर आपने पेपर देखा होगा, अभी हम एक नई मिनिस्ट्री आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर बना रहे हैं, एयर वॉरफेयर वाले से है, वेर वी बी टॉकिंग अबाउट दी मेगाहर्ट्स एंड गीगाहर्ट्स, उसके ऊपर जो चल रही है। यहाँ बैठ के एक बटन पे मैं उनको पूरा ब्लैकआउट करा सकता हूँ, मैं उनको कम्युनिकेशन खत्म करा सकता हूँ। आज का जो लड़ाई है वो मैकेनाइज वॉरफेयर पर, फुल इन्फेंट्री नहीं चलेगी उसके ऊपर। तो वी कैन स्टिल वी हमारे हम उनसे 100 कदम आगे हैं। सेकेंड जो आप कर रहे हैं कि वो लड़ाई वाला है, हम जब भी चाहें पाकिस्तान को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम जब भी चाहें हम चाह नहीं रहे, जब भी चाहें हम नहीं खत्म करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान खुद खत्म होगा। जो आप टेंटिकल्स पाले हैं, जिन लोगों ने पाला है, आज वही चीज उनको उनको खा रही है। बिल्कुल सही। आप देखिए आपका इनका पोर्ट है जो कराची में लंबी, वो इनके अगेंस्ट MQM हुसैन साहब इनके अगेंस्ट है। बलूचिस्तान वो आपके अगेंस्ट है। बलूचिस्तान में 70% जो उनके रिसोर्सेज हैं वहां से पैदा होते हैं और पूरे पाकिस्तान को खिलाते हैं। और जितना पैसा निकलता है, सपोज 100 रुपए निकल रहा है, अब वहां 1 रुपया खर्च कर रहे हैं बलूचिस्तान पर और 99 रुपीज आप पंजाब में खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान पंजाब को। वो आपके अगेंस्ट है। कराची आपके अगेंस्ट है। कराची अलग हो गया, आपका पोर्ट खत्म हो गया, आप लैंड लॉक कंट्री हो गया। बिल्कुल सही। यहाँ बलूचिस्तान खत्म हो गया, आपका जो चाइना वाला जो सिल्क हाईवे बनाया आपने, आपको वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान खुद मरेगा इसके अंदर, हमें मारने की जरूरत। चलिए ठीक है, तो बता दें आज का मुद्दा शाह के मैसेज से बौखलाई पाक सेना। हमारे साथ इस मुद्दे में लगातार जुड़े हुए थे अनिता अग्रवाल, भाजपा से शरद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार कर्नल अनिल चक्की, पूर्व सेना अधिकारी DP यादव प्रसपा से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बात जाते जाते कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कर दी कि हम चाहें तो पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं, लेकिन भारत नहीं चाहता है खत्म करना, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को जो पनाह दे रहा है वो आतंकवाद खुद ही एक दिन आएगा कि पाकिस्तान को खत्म कर देगा। फिलहाल जो रिएक्शंस निकल के आए हैं वो इस बार भी पहल की है पाकिस्तान ने ही, क्योंकि एक TV चैनल ने जब अभिनंदन का मजाक उड़ाया क्रिकेट मैच को लेकर, उसके बाद तीसरे मैच में जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आए, टकराए, उसमें भारत ने जब जीत हासिल की तो होम मिनिस्टर का यह रिएक्शन आना लाजमी था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। घोटालेबाज हैं SDM चंदन पटेल, भ्रष्टाचार के कीचड़ में धंसे हैं SDM।